हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल सिल्वर गाइड। तो दोस्तों, ये एक कंप्यूटर एजुकेशनल गाइड चैनल है जिसके ऊपर हम आपको बताते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, चाहे वो किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, एडिटिंग का, डिजाइनिंग का, किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर हो, आप यहाँ पर सीख सकते हैं वेरी इजीली, बिना किसी फीस के। सिर्फ आपको करना होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाल बटन दबाकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑटोकैड। ऑटोकैड किस लिए यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अगर आपने थंबनेल पर क्लिक किया है हमारी वीडियो का, तो आपको 90% आपको पता होगा कि ऑटोकैड किस लिए यूज़ होता है। बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ऑटोकैड किस लिए यूज़ होता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। देखिए, ऑटोकैड के अंदर तीन ब्रांचेज होती हैं। तीन ब्रांच का मतलब, अगर आप सिविल ब्रांच से करना चाहते हो तो आप ऑटोकैड सिविल ब्रांच से कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल से कर सकते हो, या फिर मैकेनिकल से कर सकते हो। ये तीन ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है, सिविल ब्रांच में तो ये चीज़ें आती हैं। सिविल ब्रांच में आपके होम होते हैं, घर बनते हैं, वो सब सिविल ब्रांच के होते हैं। सिविल ब्रांच में आप घर बना सकते हैं, ऑटोकैड के अंदर आप अपने घर की प्लान कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ होती है इसके अंदर आपकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल मशीन पार्ट्स के लिए यूज़ होती है, मशीन पार्ट्स में भी आप प्लान कर सकते हैं और डिज़ाइन कर सकते हैं। प्लान और डिज़ाइन क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज़ आती है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है जब आपने, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आसपास होती हैं, इन्वर्टर हो गया, बैटरा हो गया, टीवी हो गया, ये सारी क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं। इलेक्ट्रिकल चीज़ें भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ऑटोकैड में तीन ब्रांचेस होती हैं। मैं आपको तीनों ब्रांच के लिए बताऊंगा कहाँ पे क्या यूज़ करना है और किस तरह से आपको उस चीज़ को बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड के अंदर आप जब भी कुछ काम करेंगे तो आपको ये भी नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑटोकैड किस तरह से वर्क करता है। ऑटोकैड के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले उसके अंदर प्लानिंग होती है। प्लानिंग होती है 2D में। 2D क्या होता है, 2D होता है जब भी किसी चीज़ में सिर्फ आपको शो होगी लंबाई और चौड़ाई, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, तो वो होता है 2D। और जिस चीज़ के अंदर लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी, तो वो चीज़ होती है 3D। लेंथ और विड्थ अगर है तो वो 2D, और अगर लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ है तो वो 3D होता है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए, हमने ऑटोकैड स्टार्ट कर लिया है। ऑटोकैड स्टार्ट करने के बाद अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो ऑटोकैड के में सबसे ऊपर जो होता है ये हमारी होती है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, टाइटल बार होता है जब भी आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो सबसे ऊपर उसमें टाइटल बार ज़रूर आता है। टाइटल बार के अंदर सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है सबसे ऊपर, जैसे इसमें लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2014। अब ये ऑटोडेस्क क्या है, ऑटोडेस्क होता है कोई भी सॉफ्टवेयर आप चलाते हो उसकी एक ना एक कंपनी होती है, किस कंपनी के थ्रू वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है। तो ऑटोडेस्क कंपनी इसके ऑटोकैड की होती है। इसके और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, 3D मैक्स वगैरह, रेविट वगैरह, ये सब भी आने वाले टाइम में हम इसकी वीडियो डाल देंगे। अभी ऑटोडेस्क का ऑटोकैड 2014 वर्जन, उसके आगे लिखा हुआ है ड्राइंग वन। तो ड्राइंग वन जो होता है, ड्राइंग वन होता है इसके अंदर इस फाइल का नेम, जो फाइल आप खोलते हो, या अगर आपने कोई फाइल बनाई है या नई फाइल ली है तो ड्राइंग वन लिखा हुआ आएगा। अगर आप कोई पुरानी फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल खोलते हो तो उस पर लिखा हुआ आएगा ड्राइंग, उस पर उसका नाम आएगा, एग्जिस्टिंग में उसका नाम आएगा। अब ड्राइंग वन आ रहा है डॉट के बाद DWG, ये इसकी डॉट DWG इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, ये DWG इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट जैसे अगर आप फोटो देखते हैं तो फोटो का फॉर्मेट जितना भी होता है, जो आपके फ़ोन में भी फोटो पड़े रहते हैं, उसका .jpeg फॉर्मेट होता है। इसी तरह ऑटोकैड की फाइल का .wdg ये फॉर्मेट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फाइल को किसी को शेयर करोगे .wdg में,
तो ये सिर्फ वही बंदा खोल सकता है अपने कंप्यूटर में जिसके पास ऑटोकैड इंस्टॉल होगा, अदरवाइज कोई नहीं खोल सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर। अब हमने सबसे ऊपर टाइटल बार आ गया हमारा, टाइटल बार के बाद इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइल एडिट व्यू। ये जो लिखा हुआ है ये होता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू, इसके अंदर मेन्यूज होते हैं जो कि हर सॉफ्टवेयर में आपको मिलेंगे। फाइल का ऑप्शन होता है, फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इनको भी धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। तो ये सारे मेन्यू बार्स होते हैं ये पूरी की पूरी। उसके नीचे नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पर ड्राइंग वन लिखा हुआ है ये हमारी होती है टैब बार। टैब का मतलब आप इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं, जो भी फाइल आपकी चल रही है आप इसको क्लोज कर सकते हैं, या एक अपनी एक नई फाइल ले सकते हैं, यहाँ से आप प्लस पे क्लिक करके नई फाइल भी ले सकते हैं। बट अभी हमें इसी फाइल में वर्क करना है तो हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, खुली हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, इसके अंदर ये सारे टूल्स होते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे ये टूल्स होते हैं। अब यहाँ पे भी टूल्स हैं, लेफ्ट में भी, राइट में भी, सब जगह पे टूल्स होते हैं। अब इन टूल्स में क्या होता है कि अगर आप देखो यहाँ पे ब्लैक पट्टी दिख रही है छोटी सी, इसको आप इस पे कर्सर रखते हो तो इस टूल बॉक्स का नाम दिखाएगा। ये टूल बॉक्स है पूरा का पूरा, अगर आप इसको क्लिक करके बाहर लेकर आए तो ये आपका टूल बॉक्स है, ये पूरा का पूरा एक टूल बॉक्स है। इस टूल बॉक्स का क्या नेम है अगर आप कर्सर रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसका स्टैंडर्ड टूल बॉक्स, स्टैंडर्ड नाम से टूल बॉक्स है। लेकिन अगर आप कर्सर रखते हैं किसी टूल पे तो आपको टूल का नाम दिखाएगा। ठीक है, अगर ब्लैक पट्टी पे कर्सर रखेंगे तो टूल बॉक्स का नेम दिखाएगा, और अगर कर्सर रखते हैं आप टूल बॉक्स टूल्स के ऊपर तो आपको टूल्स के नेम दिखाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको वापस से उठा के वापस रख देते हैं। तो ये सब आपके टूल बॉक्स होंगे, इसमें आपका अगर इस पर रखेंगे तो मॉडलिंग टूल बॉक्स होगा। ठीक है, ये आपका ड्रॉ टूल बॉक्स होता है, ये मॉडिफाई टूल बॉक्स होता है। तो ये अलग अलग सब टूल बॉक्स होंगे, इनके टूल बॉक्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। नाम क्यों याद रखने पड़ेंगे, बहुत बार क्या हो जाता है कि जैसे ये टूल बॉक्स था आपका, ये मॉडिफाई नेम से टूल बॉक्स है, ये आपने क्लोज कर दिया, ये आपका क्लोज हो चुका, बाई चांस किसी भी वजह से क्लोज हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा उसके लिए। अब ये टूल बॉक्स आपको वापस लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वर्क करेंगे तो इन टूल की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जितने भी टूल बॉक्स हैं आप किसी भी टूल पे, कोई भी टूल है कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट क्लिक जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आएगी, ये सब टूल बॉक्स के नेम हैं, ये सब टूल बॉक्स हैं अलग अलग। इसमें आप यहाँ पे देख लेंगे आपका किस नेम से टूल बॉक्स का मॉडिफाई, इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपका टूल बॉक्स ऑन हो जाएगा। इसको आप क्लिक प्रेस करके वापस से रख देंगे इसको। तो इतना क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर, ये हमारा वर्क एरिया होता है, जो ब्लैक दिख रहा है ये सब कुछ वर्क एरिया है। वर्क एरिया जितना भी वर्क होगा हमारा इस स्क्रीन के ऊपर होगा ब्लैक। इस ब्लैक स्क्रीन को आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो कि मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, ग्रीन चाहिए, रेड चाहिए, कोई भी वर्क आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ब्लैक स्क्रीन पे कहीं पे भी वर्क एरिया पर राइट क्लिक करना। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑप्शंस खुलेंगे, इसके अंदर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसके अंदर यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शंस में डिस्प्ले, यहाँ पे डिस्प्ले में हम आएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, फाइल, डिस्प्ले, ओपन एंड सेव। आपको क्या करना है, इसमें डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले के अंदर आप आएंगे तो इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा कलर्स, इस कलर पे आएंगे, कलर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में 2D मॉडलिंग, शीट लेआउट, 3D पैरेलल, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अभी हम क्या करते हैं, 2D मॉडलिंग, 2D मॉडलिंग मॉडल स्पेस जो है, ये आपका ब्लैक जितना भी है ये सब मॉडल स्पेस है। मॉडल स्पेस वो है कि जिस पर आप वर्क करेंगे, इस मॉडल स्पेस का यहाँ पे कलर दिया हुआ होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रेड करना चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, अपना कोई भी कलर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी साइड से, जिस तरह का भी चाहें उस तरह का कलर हम कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, इंटरफेस एलिमेंट, एलिमेंट में आप कर्सर चेंज कर सकते हैं, कर्सर जो आपका यहाँ पे शो होता है उस कर्सर का कलर चेंज कर सकते हैं, व्यूपोर्ट का चेंज कर सकते हैं,
अभी बाय डिफॉल्ट ही रखना है, हमें चेंज करना चाहे हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें बाय डिफॉल्ट ही रखना है सारी चीज़ें। तो अभी हमने क्या किया, इसको वापस से ब्लैक किया, यहाँ से अप्लाई एंड ओके किया और यहाँ से भी ओके। ये सब करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये लाइनिंग आ रही है, ये लाइनिंग आपको नहीं चाहिए। जो ग्रिड लाइंस आपको शो हो रही हैं, आप चाह रहे हो बिल्कुल प्लेन ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए मुझे, यहाँ पे वो नहीं चाहिए लाइनिंग। उसके लिए नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको, सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं टास्क बार में। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रिड लाइन होती है, ग्रिड डिस्प्ले, शॉर्टकट की इसकी होती है F7। आप ग्रिड डिस्प्ले पे ऑन क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपकी एक स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। वापस से कभी ऑन करनी हो तो आप वापस F7 प्रेस कर सकते हैं या वापस इसी पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपकी डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है, अगर आप यहाँ पे साइड में देखो तो ये एक्स और वाई शो कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया अभी क्या होगा कि एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D के अंदर लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसमें ऑटोकैड में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो शो करते हैं। एक्स शो करता है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और वाई शो करता है वो करता है चौड़ाई विड्थ, और जेड शो करेगा हाइट। तो अगर किसी चीज़ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी तो वो 3D होगा, जिसमें सिर्फ एक्स और वाई होंगे वो 2D होगा। ना बिल्कुल क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ 2D में वर्क करना है, 3D पे अभी हम नहीं गए, क्योंकि पहले हम 2D करेंगे। 2D में हम प्लान करेंगे पहले हमें क्या चीज़ बनानी है, उसके बाद उस चीज़ को बनाने के बाद, प्लान करने के बाद तब उसको 3D में कन्वर्ट किया जाता है। अभी हमें 2D में ही वर्क करना है, सारी कमांड क्लियर करनी है, वो सब 2D में होगा। उसके बाद जब 3D में जाएंगे तब मैं आपको 3D में बता दूंगा। तो सबसे नीचे अगर आप इसमें देखें तो एक कमांड लिखा हुआ है, ये होती है हमारी कमांड बार, पूरी की पूरी ये वाइट जितनी भी दिख रही है ये पूरी कमांड बार होती है। कमांड बार में क्या होता है कि ऑटोकैड के अंदर टूल तो सब ऊपर आपको मिलेंगे, जितने भी टूल्स हैं ये सब आपको ऊपर मिलेंगे, बट आपको क्या होगा कमांड लाइन से यूज़ करना है, मतलब उसकी शॉर्टकट की से आपको यूज़ करना है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि टूल्स का यूज़ करना काफ़ी ईजी है कीबोर्ड के थ्रू, अगर आप कीबोर्ड के थ्रू करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा कि आपको कमांड ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको लाइन कमांड लेनी है तो आप एल प्रेस करके एंटर कर दोगे, तो काफ़ी ईजी शॉर्टकट की होती हैं इसकी, आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कमांड लाइन जो आपकी ये नीचे दिख रही है, अगर आप इसको क्लोज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कमांड लाइन मेरी ऑफ हो जाए, तो कमांड लाइन ऑफ करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ 9, कंट्रोल 9 जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो हमारी कमांड लाइन ऑफ हो जाएगी। वापस से ऑन करनी होगी तो फिर से कमांड कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करेंगे, कंट्रोल 9 प्रेस करते ही ऑन, कंट्रोल 9 से ही ऑफ। एक ऑप्शन होता है कि जो कुछ भी आपने बनाया है उसको आप फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होगा कि आपको ये जितने भी टूल बॉक्स हैं सब ऑफ करने होंगे। अब अगर आप क्लिक कर एक एक को उठा के क्लोज करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और फिर वापस ऑन भी करना होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, जितने भी आपके टूल बॉक्स हैं आप एक ही बार में ऑफ करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करें, कंट्रोल 0 करते आपके जितने भी टूल बॉक्स थे सब क्लियर हो गए, आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, आप इजीली आप जो चीज़ आपने बनाई थी वो आप फुल स्क्रीन पे देख पा रहे हो। वापस से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो जितने भी टूल बॉक्स ऑन थे वो वापस आ जाएंगे, कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे तो कमांड लाइन भी वापस से आ जाएगी। अब सबसे पहले कमांड जो हमारी आती है, सबसे पहली कमांड वो आती है लाइन कमांड। लाइन कमांड कहाँ पे होगी, आपके ड्रॉ टूल बॉक्स के अंदर होगी। ड्रॉ टूल बॉक्स और मॉडिफाई टूल बॉक्स, ये दो चीज़ें मेन है। ड्रॉ का मतलब है कि आप सारी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर टूल्स दिए हुए हैं वो कमांड लाइन, वो जितने भी टूल्स हैं वो आप यूज़ करेंगे ड्रॉ करने के लिए। ड्रॉ टूल बॉक्स के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं वो ड्रॉ करने के लिए होते हैं, मतलब बनाने के लिए होते हैं। और मॉडिफाई टूल बॉक्स के अंदर हर चीज़ को मॉडिफाई चेंज करने के लिए, उसके अंदर साइज चेंज करना, कॉपी करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बताते चलूँगा। तो सबसे पहली कमांड जो आती है वो आती है लाइन कमांड। लाइन कमांड आप यहाँ से क्लिक करके भी ले सकते हैं, या मैंने बताया कि आप शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे तो
तो शॉर्टकट की का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, लाइन कमांड के लिए एल प्रेस करके एंटर करना है। एल प्रेस करने के लिए आपको ये नहीं कि आपको माउस से क्लिक करना हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप कभी भी कीबोर्ड से जब भी टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका कमांड लाइन के अंदर आएगा। कमांड लाइन के बाद आप एंटर करेंगे, एल लाइन के लिए एल प्रेस करके आप एंटर करेंगे। तो आप एंटर इसमें ऑटोकैड में क्या होगा कि आप एंटर भी कर सकते हैं या फिर स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं। स्पेस भी एंटर का ही वर्क करेगा कमांड लाइन के अंदर। तो इसमें हमें क्या करना होगा, एल प्रेस करके आप एंटर करेंगे। जैसे ही एल प्रेस करके एंटर करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन देता है, अगर आप नीचे देखें यहाँ पे लाइन, एल प्रेस करने से लाइन कमांड स्टार्ट हुई और इसमें ऑप्शन दे रहा है। सबसे नीचे वाली लाइन देखनी है सिर्फ हमें, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट का मतलब लाइन हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो फर्स्ट पॉइंट हमें क्लिक करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट जहाँ पे भी आप कर्सर लेके जाएंगे आप वहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी लाइन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। जब लाइन स्टार्ट हुई है उसके बाद अगर आप नीचे वापस से देखें तो अब जहाँ पे फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा था, अब वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब अब कहाँ तक उस लाइन को आप लेना चाहते हैं, अगला पॉइंट आप कहाँ लेना चाहते हैं स्पेसिफाई कीजिए। तो हमें जहाँ तक भी लाइन लेनी है हम ऐसे पर क्लिक करें। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी और उसके आगे भी अभी वो लाइन चलेगी। उसके आगे फिर से नीचे अगर देखेंगे तो स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट फिर से पूछ रहा है, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, फिर से हमने एक पॉइंट और दे दिया, वहाँ तक लाइन बन गई, फिर से नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्लिक किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह से ये कंटिन्यू हमारी लाइन चलती रहेगी जहाँ जहाँ तक हम कर क्लिक करते रहेंगे। उसके बाद अगर हमें लाइन नहीं चलानी, हम चाहते हैं हमें कमांड बंद करनी है, उसके लिए एंटर एक बार और आप एंटर करेंगे, आपको नहीं वर्क करना, आप एक बार एंटर कर देंगे। एंटर करते ही आपकी कमांड हट जाएगी और कमांड हटते ही आपकी कमांड सबसे नीचे क्लियर हो जाएगी, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा। अब यहाँ पर हमारी अगर देखेंगे तो हमारे पास लाइन ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, अगर हम चाहते हैं अब ये लाइन हमें क्लियर करनी है, अब हमें हटानी है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मॉडिफाई टूल बॉक्स के अंदर पहली कमांड होती है इरेज, ये होती है इरेज करने के लिए, किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए। तो इसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने बताया शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है इरेज के लिए ई। ई प्रेस करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी इरेज कमांड आ जाएगी और नीचे पूछेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब जो भी कुछ आप बनाते हो वो आपका ऑब्जेक्ट है, अब वो ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, सिलेक्ट आप किस किस तरह से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। अब सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे क्लिक कर सकते हैं, अपनी लाइन पे आके एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। बट अगर आप देखें तो आपकी सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हुई है, जो आपने पॉइंट दिए थे फर्स्ट और नेक्स्ट, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हुई है। अगर आप सिलेक्ट करने के बाद एंटर करते हैं, अगर आप इसे इरेज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट आपने कर ली और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी जो चीज़ सिलेक्ट थी वो इरेज हो गई, ठीक है। बट मुझे तो इसको पूरी को इरेज करना है, उसके लिए क्या करना होगा, इरेज कमांड वापस से लेनी है ई प्रेस करके, या ऊपर से ई प्रेस करके एंटर किया तो अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। तो एक एक को ना सिलेक्ट करके, वैसे हम चाहें तो एक एक को क्लिक करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इसमें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, अगर हमारे पास फाइल बड़ी होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए ऑप्शन होता है, आप देखो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे बाहर ब्लैक पे, कहीं पे भी ऐसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये ब्लू सिलेक्शन आ रहा है, ठीक है। और अगर आप इस सिलेक्शन को ऊपर की साइड ले के जाते हैं तो आता है ग्रीन सिलेक्शन, ब्लू सिलेक्शन और ग्रीन सिलेक्शन। इसमें डिफरेंस क्या होता है, जब आप ब्लू सिलेक्शन जब आपका आ रहा है तो आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ तब सिलेक्ट होगा जब वो ऑब्जेक्ट ग्रीन सिलेक्शन के अंदर पूरा आ जाएगा, ठीक है, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पे देखें अगर तो आपकी कोई भी लाइन इसके इस सिलेक्शन के अंदर पूरी नहीं आ रही है, आपने क्लिक किया कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, एंटर किया कुछ इरेज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो सिलेक्ट हुआ ही नहीं था। वापस से इरेज कमांड ली हमने, अब हम इसी तरह से अब हम लेते हैं लेफ्ट टू राइट की जगह हम राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन लेते हैं। अब हमने राइट साइड से ऐसे क्लिक किया, अब देखो राइट टू लेफ्ट जब हम कर्सर चलाएंगे तो ग्रीन सिलेक्शन आएगा,
स्क्रीन सिलेक्शन में क्या होगा, जब भी कोई चीज़ इसके अंदर हल्का सा पॉइंट भी ऑब्जेक्ट का अगर आ जाएगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी और इरेज भी हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, जहाँ तक हम इसको नेक्स्ट पॉइंट लेना था वो हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये पूरी की पूरी इरेज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी इरेज। ठीक, अब लाइन कमांड वापस से हम लेते हैं। लाइन कमांड हमने ली यहाँ से या कमांड लाइन से, लाइन ली स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, इस तरह से हमने जितनी भी लाइन ले ली थी, लास्ट लेने के बाद एंटर कर दिया, इरेज हो गई, अब लाइन बन गई। अब हम करते हैं इरेज। इरेज कमांड ली हमने इरेजर से। अब इसी के अंदर वापस से हमने राइट लेफ्ट टू राइट सिलेक्शन किया, ब्लू सिलेक्शन आया। अब देखिए इसके अंदर सिलेक्शन, अब हमारी लाइनें सिलेक्ट हो रही हैं इसमें। ठीक है, अब सिलेक्ट कैसे होगी, जो जो लाइन इसके अंदर पूरी आ जाएगी, इसके अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी सारी लाइनें हमारी पूरी आ रही हैं, तो हमने ये सिलेक्ट की। सिलेक्शन सिर्फ इसमें बीच बीच की लाइन में क्यों हुई, क्योंकि ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं ये सिलेक्शन में नहीं आई थी, पूरी नहीं आई थी, इसकी वजह से ये सिलेक्ट नहीं हुई। हमने एंटर किया तो ये क्लियर हो गया, लेकिन ये तीन लाइन अभी भी हमारी रह गई। तो हम ये चीज़ भी कर सकते हैं कि हम अगर क्लियर ऑल करना चाहें, एक और शॉर्टकट की यूज़ होती है, इरेज कमांड हमने प्रेस की, ई प्रेस करके एंटर किया, हम माउस से ना सिलेक्ट करके इरेज, जहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, जब ई प्रेस करके हमने एंटर किया तो नीचे देखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ रहा है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट ना करके हम यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं ऑल। ऑल का मतलब जितना भी हम कुछ बना हुआ है हमारी फाइल के अंदर, हम सब कुछ इरेज करना चाहते हैं, तो ऑल प्रेस करके हम डबल एंटर करेंगे, एंटर एंटर। जैसे ही हम ऑल टाइप करके डबल एंटर करेंगे, सब कुछ जितना भी हमारे वर्क स्पेस पे जो कुछ भी हमारा वर्क था वो सब इरेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस होते हैं, हम किसी भी तरह से इसको इरेज कर सकते हैं, माउस से इरेज कर सकते हैं या कीबोर्ड से ऑल इरेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज चेक सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।